बड़ी से बड़ी मुसीबत से निकाल देते हैं ये मंत्र मृत्यु का संकट भी टल सकता है इनके जाप से पावरफुल हिंदू मंत्रास इन मंत्रों में ज्यादातर मंत्र सात्विक हैं संकट से बचने के लिए अक्सर तामसिक शाबर या तांत्रिक मंत्र का उपयोग किया जाता है जो कि फौरन असर दिखाते हैं लेकिन जो मंत्र हम आपको बता रहे हैं ये सात्विक होते हुए भी इतने पावरफुल हैं कि इनसे मृत्युतुल्य संकट को भी टाला जा सकता है मंत्रों के प्रकार मंत्र तीन प्रकार के होते हैं सात्विक तांत्रिक और शाबर सभी मंत्रों का अपना अलग अलग महत्व है प्रतिदिन जपने वाले मंत्रों को सात्विक मंत्र कहा जाता है इन्हीं सात्विक मंत्रों के जाप से मनुष्य की हर कठिनाई दूर हो सकती है जाप से पहले इन बातों का रखें ख्याल ये मंत्र बेहद शक्तिशाली होते हैं अथ इनके जाप या स्मरण के समय पवित्रता का खास ख्याल रखें यदि आप घर में बैठकर इनका जाप करते हैं तो घर के मंदिर में करें और उस स्थान से जूते चप्पल दूर रखें स्वच्छ कपड़े पहने तथा अपने विचारों को भी स्वच्छ रखें क्लेशनाशक मंत्र ए एम कृष्णाए वासुदेवाय हरे परमात्म ने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नम मंत्र प्रभाव इस मंत्र का नित्य जाप करने से कलह और क्लेशों का अंत होकर परिवार में खुशियां वापस लौट आती हैं यदि आप किसी मुसीबत में फंसे हैं या फिर अकेले होने पर डर का शिकार हो रहे हैं तो ऐसे में इस मंत्र का जाप करने से श्री कृष्ण खुद रक्षा करते हैं शांतिदायक मंत्र राम 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 मंत्र प्रभाव हनुमान जी भी राम नाम का ही जाप करते रहते हैं इस मंत्र का निरंतर जाप करते रहने से मन में शांति का प्रसार होता है चिंताओं से छुटकारा मिलता है तथा मस्तिष्क शांत रहता है राम नाम के जाप को सबसे उत्तम माना गया है ये सभी तरह के नकारात्मक विचारों को समाप्त कर देता है और हृदय को निर्मल बनाकर भक्ति भाव का संचार करता है संकट मोचन मंत्र ए एम हम हनुमते नम मंत्र प्रभाव यदि दिल में किसी भी प्रकार की घबराहट डर या आशंका है तो निरंतर प्रतिदिन इस मंत्र का जाप करें और फिर निश्चिंत हो जाएं। किसी भी कार्य की सफलता और विजयी होने के लिए इसका निरंतर जाप करना चाहिए यह मंत्र आत्मविश्वास बढ़ाता है यदि मृत्यु तुल्य कष्ट हो रहा है तो इस मंत्र का तुरंत ही जप करना चाहिए शांति सुख और समृद्धि हेतु इसके लिए भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप किया जाता है भगवान विष्णु के बहुत से मंत्र हैं लेकिन इनमें प्रमुख मंत्र कुछ इस प्रकार हैं पहला मंत्र एयूम नमो नारायण या श्रीमण नारायण नारायण हरिहरि दूसरा मंत्र एयम भूरिदा भूरी देहिनो माँ दब्रम भूरिया भर भूरी दित्ससि दित्सि भूरि भूरीदातसी श्रुत पुत्राशूर्वृतह आ नु भजस्व राधसी तीसरा मंत्र नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि विष्णु प्रचोदयात मृत्यु पर विजय के लिए महामृत्युंजय मंत्रुएम त्र्यंबक यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वाक्क्व बधा मृत्योर्मुसीय मामृतात् मंत्र प्रभाव शिव का महामृत्युंजय मंत्र मृत्यु व काल को टालने वाला माना जाता है इसलिए शिवलिंग पर दूध मिला जल धतूरा चढ़ाकर यह मंत्र हर रोज बोलना संकटमोचक होता है यदि आपके घर का कोई सदस्य अस्पताल में भर्ती है या बहुत ज्यादा बीमार है तो नियम पूर्वक इस मंत्र का जाप करें लेकिन याद रखें कि इसे झपने वाले को शुद्ध और पवित्र रहना जरूरी है अन्यथा यह मंत्र अपना असर छोड़ देता है अचानक आए संकट से मुक्ति के लिए देवी कालिका का यह अचूक मंत्र है इसे माता जल्द से सुन लेती हैं लेकिन आपको इसके लिए सावधान रहने की जरूरत है आजमाने के लिए मंत्र का इस्तेमाल न करें यदि आप काली के भक्त हैं तो ही करें पहला मंत्र ए एम काली के नम दूसरा मंत्र ए एम ह्री श्री क्रीम परमेश्वरी काली के स्वाहा मंत्र प्रभाव इस मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जाप करने से आर्थिक लाभ मिलता है इससे धन संबंधित परेशानी दूर हो जाती है माता काली की कृपा से सब काम संभव हो जाते हैं पंद्रह दिन में एक बार किसी भी मंगलवार या शुक्रवार के दिन काली माता को मीठा पान मिठाई का भोग लगाते रहें। दरिद्रता नाशक ए एम ह्री ह्री श्री लक्ष्मी वासुदेवायनम मंत्र प्रभाव इस मंत्र की ग्यारह माला सुबह शुद्ध भावना से दीप जलाकर और धूप दिखाकर जपने से धन सुख शांति प्राप्त होती है खासकर धन के अभाव को दूर करने के लिए इस मंत्र का जाप करना चाहिए इसके नियमित जाप से लक्ष्मी मां प्रसन्न होकर घर में आगमन करती हैं और दरिद्रता दूर करती हैं वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करें। धन्यवाद हर हर महादेव